I will show you how to ride a cycle. Oh. I show to my mama how to ride cycle. तुम यहाँ गए साइकिल चलाने? हाँ. चलो ठीक है. Let's go, friends. Hello, friends. Welcome back to my channel, Indian YouTuber Joshna. तो दिशा की डैडी ने दिशा को साइकिल चलाना सिखा दिया है. तो दिशा बोली, चलो मम्मा आज मैं आपको दिखाती हूँ. तो चलिए हम लोग भी देखते हैं दिशा कैसे साइकिल चलाती है. शाम के 5 बज रहे हैं. तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. चलिए देखते हैं. चलो चले. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर जोशना. तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. तो आज दिशा मुझे साइकिल चला के दिखाएगी. क्या हुआ? इसको साइकिल चलाने आ गया. मामा क्या? तो मुझे दिखाएगी. मामा मैं तुमको कॉपी कर रही. हाँ तू मुझे कॉपी कर रही थी. चलो चल ये रहा ये. चलो आज दिशा साइकिल चला के दिखाएगी. चलो शाम के 5 बज गए हैं. चलो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. दिशा रोज डैडी के साथ जाती है, आज मम्मा लेके जा रही है ना. मुझे दिखाओगी कैसे चलाती हो? तुम फिर से भूल गए. अच्छा ठीक है, मैं सिखाती हूँ. सिखाओ. चलो मामा. तो प्यारा. आई लाइक माय मामा. चलो तुम्हारी साइकिल मैं निकालू. जाओ वाह. कैसे मोड़ोगी? तो फ्रेंड्स दिशा को साइकिल चलाने आ गया. यहाँ मैं भी थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ. उसके बाद हम लोग छत पे आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं. तो सब खेल रहे हैं छत पे और यहाँ पे सनसेट होने वाला है. तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है. और इधर मून भी है. तो दोनों एक तरफ सन है एक तरफ मून है. बहुत अच्छा लग रहा था देखने में. उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ. दिशु को दूध भूख लग गई है थोड़ी बहुत शाम में, तो मैं उसको दूध दे रही हूँ मिल्क, तो वो पिएगी. और उधर मैं चाय भी बना रही हूँ एक साइड. तो शाम को चाय पियेंगे हम लोग. Thank you.
तो फ्रेंड्स शाम का चाय पानी हो गया है, तो अब मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। 8 बज गया है, तो बीच में मैं बाहर चली गई थी कुछ ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए। तो अब मैं बनाऊंगी गोभी आलू मटर की सब्जी कुकर में। यहाँ पे गोभी कितनी बड़ी सी और अच्छी सी है, तो मुझे जितना बनाना है मैं उतना लूँगी और उसको काट रही हूँ। उसको गर्म पानी में धोऊंगी। देखिए तो फ्रेंड्स गोभी को मैं गर्म पानी से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया है और इसमें मैं नमक और हल्दी डालूंगी और इसमें गोभी को काट के डालती जाऊंगी। फिर ये जब गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसको अच्छे से धो के अलग से रख लूंगी। तो मैं गोभी को ऐसे ही साफ़ करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे गोभी धो लिया है, थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है क्योंकि कुकर में पकाऊंगी। तो इसमें हल्दी नमक डाल के गर्म पानी में अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पे दो आलू हैं, टमाटर प्याज अदरक लहसुन और दो मिर्च, और इधर हरे मटर है। तो इधर कुकर रख दिया है, उसमें मैं सब्जी छौंकूंगी और इधर मैं गोभी को थोड़ा सा कढ़ाई में फ्राई करके तब कुकर में डालूंगी। तो फ्रेंड्स एक तरफ मैं गोभी और आलू को अच्छे से भूज लूँगी और दूसरी तरफ मैंने कुकर में तेल डाल दिया है। अब मैं उसमें जीरा और हींग का तड़का लगाऊंगी कुकर में, और फिर प्याज पीस के रखा है तो प्याज डालूंगी। प्याज अच्छे से हो गया है फ्राई, तो अब मैं उसमें मटर डालूंगी। तो मटर को भी थोड़ा सा भूजेंगे, फिर उसके बाद मैं टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर अदरक लहसुन पीस लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गर्म मसाला और सब्जी मसाला सब एक साथ इसी में कर लूँगी। देखिए मैं निकाल रही हूँ सब थोड़ा थोड़ा, फिर मैं इसको कुकर में डाल दूंगी और मसाले को अच्छे से भूजूंगी। तो देखिए तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आलू गोभी अच्छे से भुजा गई है और यहाँ पे मसाला भी तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें मैं गोभी और आलू को डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा भूजूँगी। फिर उसके बाद पानी डालूँगी और 2-3 सीटी होने तक लगा दूँगी। तो कुकर की गोभी आलू मटर की सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी होती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है।
फ्रेंड्स, मैं जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो हमेशा टमाटर पीस के डालती हूँ, क्योंकि दिशा को अगर खड़ा टमाटर भी दिया सब्जी में तो वो नहीं खाएगी, इसलिए मैं पीस के डालती हूँ, तो उससे वो भी खा लेती है। ये है, अब ये दो सीटी लगाऊंगी इसमें, तब तक मैं थोड़े बहुत चाय के बर्तन है वो सब साफ कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रोटी का प्लान चेंज हो गया, मैं पूड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं पूड़ी के लिए आटा सान ली, और ये है ज्वारी आटा है, ज्वार का आटा है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा सानूंगी और इसका भी पूड़ी बनाऊंगी। बहुत ही अच्छा बनता है, खाने में अच्छा लगता है। तो रोटी तो मुझसे बनती नहीं इसकी, तो मैं इसकी पूड़ी ही बना लेती हूँ, और खाने में सच में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम दो ही लोग हैं तो थोड़ा सा ही साना है, और फिर इसको मैं पूड़ी बनाऊंगी। तो आज के डिनर में पूड़ी और सब्जी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गेहूं के आटे की भी पूड़ी बना रही हूँ। तो देखिए, इसको मैं एक तरफ बना के रख लूँगी, उसके बाद मैं ज्वार के आटे का जो है उसकी पूड़ी बनाऊँगी। तो इसको देखिए, मैं ऐसे ये बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो मैं इसको हाथ से ही पतला पतला बना के डाल दूँगी, और खाने में बहुत ही अच्छा था। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, रोटी नहीं बना पाते तो ऐसे बना के खा सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको हाथ से ही ऐसे छोटा छोटा बना लूँगी और फिर फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा इवनिंग टू नाइट का छोटा सा व्लॉग। तो आपको व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और सफाई का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।